अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, 1000 सब्सक्राइबर सिंपल 28 दिन के अंदर पूरे करने हैं। और ये कहने की बात नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर लाइव प्रूफ देखेंगे। 28 दिन के अंदर इस वीडियो के ऊपर 35,000 व्यूज हैं, और उसके बाद अगर इसके हम सब्सक्राइबर को देखें तो इसके ऊपर 1.1K सब्सक्राइबर, यानी कि 1100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए हैं। पहले मैंने इसको कम्प्लीट किया है, उसके बाद आपको यहाँ प्रूफ दिखा दिया है। अभी आपको बताएंगे कि मैंने किया किस तरह है। और जस्ट 28 दिन के अंदर, इससे ना जो एक दिन ज्यादा और ना ही कम, यानी कि एक मंथ में अगर आपके 1000 जेन्युइन सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, जो कि नॉन ड्रॉप होंगे, आपकी वीडियो को देखेंगे भी, तो इससे बेस्ट और क्या आपको चाहिए। लेकिन ये तमाम बंदों के पूरे नहीं होंगे। मेरे पास तीन तरह के बंदे आते हैं, उनमें से कामयाब सिंपल एक ही तरह का होता है। उनमें से आप कौन से हो आपने खुद देख लेना है, आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम एक बंदे की बात करें तो वो बंदा होता है जो यूट्यूब पर आ गया, अपना चैनल बना लिया और खुद को समझता है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ, मैंने किसी की वीडियो को वॉच नहीं करना, जो करना मैंने खुद करना है। अभी ये बंदा अगर किसी की वीडियो को वॉच नहीं करेगा तो इसे नया मेथड कैसा पता चलेगा, या फिर कोई नई अपडेट आई है तो इसे कैसे पता चल सकती है? तो ऐसा बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। आप चाहे कितनी भी पीक पे चले जाए ना, आपको सीखना पड़ता है। और मेरी तो यही आदत है, मैं हर वक्त सीखने में लगा रहता हूँ। नंबर टू के ऊपर, ऐसा बंदा जो यूट्यूबर तो है, दूसरों की वीडियो को देखता भी है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करता। जैसे कि मैंने किसी की वीडियो देखी, उसको देखने के बाद पूरा वॉच किया और मैंने सोचा नहीं यार ये काम मुश्किल है, या फिर मेरे जहन में आकर नहीं यार ये काम नहीं होगा, तो ऐसा बंदा कामयाब कैसे होगा? देखो आप लोग, चाहे एक दिन में 10 वीडियो के 10,000 देख लो, जब काम नहीं करना तो कभी भी कामयाब नहीं होना। थर्ड नंबर के ऊपर, चाहे वो एक बड़ा यूट्यूबर है या छोटा यूट्यूबर है, अगर किसी की वीडियो को देखता है, वहां से कुछ सीखने को मिलता है, तो उसके ऊपर अमल भी करता है, यानी उसको टेस्ट करता है, तो यही बंदा कामयाब होता है। और यही काम मैंने किया है इस वीडियो के अंदर भी, और नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, हर वीडियो के अंदर नई से नई मैं ट्रिक लगा रहा होता हूँ, हर चीज को टेस्ट करता हूँ कि यार ऐसा करूंगा तो फिर क्या होगा, या फिर उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो फिर इससे क्या होगा। और डेली बेसिस पर मैंने तकरीबन 1 घंटा अपना रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं लोगों की वीडियो को वॉच करता हूँ। अपना काम तो करता ही हूँ, लेकिन दूसरों की वीडियो को मैं जरूर वॉच करता हूँ। मैंने ये कभी नहीं देखा कि जो वीडियो बना रहा है वो एक छोटा यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये क्या चीज है। सिंपल ये देखता हूँ वो बंदा क्या क्या रहा है, क्या वो लॉजिकली बात सही भी है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक मुझे सही लगे ना, तो मैं अपनी वीडियो के ऊपर उसको जरूर टेस्ट करता हूँ। लास्ट वीक के अंदर मैंने यही सारा काम किया है, हर वीडियो के ऊपर मैं डिफरेंट तरीके से लगा रहा हूँ। जैसे कि वीडियो अपलोड करनी है ना, उसके भी आपके पास तीन तरीके होते हैं, कि अपनी वीडियो को पब्लिक कर दो डायरेक्ट, जैसे अपलोड करो उसे पब्लिक कर दो। नंबर टू के ऊपर उसे अनलिस्ट कर लो, या फिर उसको स्केड्यूल कर लो भाई शाम को ये पब्लिक हो जाए, या फिर उसको आप लोग प्रीमियर कर दो। मैं तीनों तरीकों से ये काम करके देखा, हर चीज को टेस्ट किया, लेकिन जो सबसे बुरा काम मुझे लगा रहा है वो था प्रीमियर वाला। मैंने प्रीमियर किया, उसमें मुझे सबसे कम व्यूज आए, लेकिन उसको मैं अगर स्केड्यूल करता हूँ या उसको डायरेक्ट पब्लिक करता हूँ, उसमें ज्यादा व्यूज थे। ये है मेरी टेस्टिंग की बात, यानी कि मैंने डिफरेंट लोगों से सुना, किसी यूट्यूबर को ओपन किया, उसने बोला नहीं जी पब्लिक करेंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, मैंने वो भी करके देखा। किसी और को देखा, उसने बोला नहीं आप लोग स्केड्यूल करें फिर ज्यादा आते हैं। थर्ड वाले ने बोला प्रीमियर करें फिर ज्यादा आते हैं। तो इसमें क्या था, मैंने तीनों बंदों की जो भी ट्रिक थी सबको मैंने टेस्ट किया। आप लोग भी अगर टेस्ट करते रहेंगे ना, इनमें से कौन सी ट्रिक आपकी कामयाब चली जाएगी आपको खुद नहीं पता चलना, और आपके उसी से आपके सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, अर्निंग, तमाम चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने छोटा सा काम ये किया कि इसका जो थंबनेल था वो आई कैचिंग बन गया, बनाया नहीं। अगर मैं खुद बोलूँ ना कि अभी सारा क्रेडिट मैं खुद ले लूँगा, यार मैंने इसके अंदर बहुत काम किया, मैंने इसमें ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। जिस तरह नॉर्मल रूटीन के अंदर वीडियो अपलोड कर रहा था मैं वैसे ही कर रहा था, वैसे मैंने इसको पब्लिक किया है, इसका थंबनेल बनाया, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जैसे मैं पहले निकालता था वैसे ही निकालता हूँ। और इसमें से क्या चीज किसी और ट्रेंड में चलेगी खुद पता नहीं चला। इसका जो थंबनेल था वो आई कैचिंग बन गया, और इसके कुछ टैग ट्रेंडिंग में चले गए, इसके कुछ टैग सर्च में चले गए, और इसी से उसके ऊपर व्यूज आते जा रहे हैं और इस वक्त इसको 4 वीक यानी 1 मंथ पूरा होने वाला है, और इसके ऊपर 35,000 व्यूज आ गए हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक। उससे आगे वाली वीडियो या पीछे वाली वीडियो उन पर इतने व्यूज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इतने व्यूज आ गए हैं, और उसी से मुझे वॉच टाइम भी मिला है, इसी से मुझे अर्निंग भी अच्छी खासी हुई है, और इसके अलावा मेरे 1100 सब्सक्राइबर एक वीडियो से पूरे हो गए हैं। इसमें आपके लिए क्या सबक है, सिंपल सा सबक एक ये है, आपने कभी भी ये नहीं सोचना यार मैं बहुत बड़ा फनेखा बन गया हूँ, मैंने किसको देखना नहीं, अभी मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, ऐसा नहीं। आपने हमेशा सीखने की कोशिश करनी है,
डिफरेंट यूट्यूबर को देखा करें, छोटा है बड़ा है सबको देखा करें, उनमें से आपको सबक मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव पॉइंट वहां से निकालते होते हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं देखते उस बंदे के, पॉजिटिव निकालो कि वो बंदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझो और अपने ऊपर उसको अप्लाई करो। सिंपल, देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा। आप मेरी वीडियो रोजाना ना देखो, कुछ नहीं होगा। अब मैं CPM सिखाता हूँ, RDP सिखाता हूँ, तो आप लोग मेरी रोजाना वीडियो देखो, दिन में 5-5 बार देखो, क्यों इससे आप लोग पैसा कमाना शुरू करोगे? ऐसा नहीं है। पैसा उस वक्त कमाओगे जब आप उसको अप्लाई करोगे अपने चैनल के ऊपर, जब आप लोग अपनी वीडियो में उसको अप्लाई करोगे, तब ये तमाम चीजें आएंगी। अभी सिंपल, आपने डेली बेसिस पे एक वीडियो बनानी है, कोशिश करनी है अपनी तरफ से आप बेस्ट दो, उसके ऊपर जितनी कोशिश कर सको, जितनी मेहनत कर सको आपने करनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर एक अच्छा सा थंबनेल, थोड़ा सा क्लिकबेट भी करना पड़ जाए ना, तो वो भी कर देना। ये इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है कि मैं क्लिकबेट कर रहा हूं तो क्या होगा। क्लिकबेट करना पड़ता है क्लिक करवाने के लिए, उसके बाद जो बंदे को पता चलेगा इस वीडियो के अंदर है क्या चीज, उसके बाद वो देखेंगे नहीं देखेंगे वो आपके कंटेंट पर बेस करता है। लेकिन थोड़ा सा क्लिकबेट जरूरी है, और इसमें यही काम हो गया था, थोड़ा सा क्लिकबेट हो गया और वो वीडियो भी अच्छी निकल आई, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उसको देखते रहे, और उसके बाद उसकी एंगेजमेंट, CTR तमाम चीजें ऊपर जाती रही और यूट्यूब इसको आगे से आगे रिकमेंड करता जा रहा है, और अभी भी इसके ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक स्टॉप नहीं हुए। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपके साथ नहीं होगा। डेली वीडियो लगाओ, आगे कौन सी वीडियो वायरल जानी है आपको खुद नहीं पता चलना। रात को वीडियो लगाकर सोओगे, सुबह उठोगे उस पर इतने ज्यादा व्यूज आए हैं, इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। लेकिन एक छोटा सा काम ये जरूर करना जो मैं करता हूँ, आपने अपना एक टाइम फिक्स कर लेना है, चाहे वो मॉर्निंग का है चाहे वो इवनिंग का है, आपने डेली उसी टाइम में वीडियो लगानी है, कुछ आधा घंटा, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने टाइम जरूर फिक्स करना है। इससे आपकी ऑडियंस परमानेंट रहेगी और आपके व्यूवर आपका इंतजार किया करेंगे, कब सर की वीडियो आनी है, कब मेरे दोस्त की वीडियो आनी है, मैं उसको वॉच करूंगा। और स्टार्टिंग वाला घंटा बहुत ही अहम होता है, अगर उसके अंदर आपके व्यूज आ गए तो नेक्स्ट आपके व्यूज कोई नहीं बंदा रोक सकता। आई होप सो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, आप जरूर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।